वीडियो इज फ्रॉम हेल्पफेयर इंग्लिश मीडियम स्कूल। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट ग्रामर। सो लिसन केयरफुली। फॉर नंबर चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू द क्वालिटी दैट अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग मे हैव। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं कि किसी के पास क्वालिटी हो, है ना, पर्सन के पास हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो। ओके, जो फर्स्ट है, मिस्टर सुमित इज अ काइंड मैन। जो सुमित है वो दयालु इंसान है, सॉरी आदमी है, है ना। तो दयालु है, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें क्या क्वालिटी है? दयालुता, है ना, दयालु है वो। फिर है सेकंड नंबर, वी लव मिस्टर सुमित फॉर हिज काइंडनेस। हमें मिस्टर सुमित पसंद है, क्यों पसंद है? इस हिज काइंडनेस, दयालुता से, वो दयालु है, उनकी दयालुता हमें पसंद है। तो काइंडनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। इन सेंटेंस, फर्स्ट काइंड इज एन एडजेक्टिव, सेकंड काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इट टेल्स अस द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट सुमित हैज। ये क्या कहता है? जो सुमित के पास जो क्वालिटी है दयालुता की, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। पता चला व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ओके, सम मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। फर्स्ट है एंगर, सेकंड है लव, थर्ड प्राइड, फोर्थ करेज, फिफ्थ ग्रेटनेस, सिक्स ऑनेस्टी, सेवन एन्जॉयमेंट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट देम डाउन। फर्स्ट नंबर, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा सच कहते हैं। तो आंसर ट्रूथ है ना, उसमें क्वालिटी क्या है? ट्रूथ, सच्चाई की, इसलिए यहाँ पे ट्रूथ आएगा। सेकंड, गांधी जी वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। गांधी जी प्रामाणिक थे, है ना, प्रामाणिक थे और जाने जाते हैं। तो आंसर ऑनेस्टी। थर्ड नंबर, आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द कैट्स फर। कैट का जो फर होता है वो क्या होता है? सॉफ्टनेस होता है। ओके, वो मुझे पसंद है। तो आंसर सॉफ्टनेस आएगा। क्या आएगा? सॉफ्टनेस, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर नंबर, क्रुएल्टी टू एनिमल्स शुड बी प्रिवेंटेड, क्रूरता। आंसर क्या आएगा? क्रुएल्टी। फिफ्थ नंबर, रोहित वॉज गिवन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। रोहित को उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिला। ओके, तो बहादुरी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी। सिक्स नंबर, आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द वास। ओके, मुझे वास पे फ्लावर को अरेंज करना, अरेंजमेंट करना पसंद है। तो अरेंजमेंट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेवन नंबर, द लिटिल बॉय वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस। जो छोटा लड़का है वो डार्कनेस से घबरा गया, डर गया। ओके, सो डार्कनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एट नंबर, द क्लॉन मेड द चिल्ड्रन रोर विथ लाफ्टर। जो क्लॉन होता है वो बच्चों को हंसाता है। तो
तो लाफ्टर इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पता चल गया आपको इस एक्सरसाइज में? ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट दिस पीपल हैव. ओके, यहाँ पे पिक दिया गया है, उसमें लोगों की क्या क्वालिटीज दिखाई दे रही है वो लिखना है आपको. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. देखो नीचे ब्रैकेट है, वहाँ पे आप आंसर दिए गए हैं और उसमें से आपको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट है अ रूड बॉय. जो रूड बॉय होता है उसका क्या होता है? रूडता है ना, रूडनेस. ओके, क्या होगा? रूडनेस. सेकंड है स्ट्रांग बॉक्सर. जो स्ट्रांग बॉक्सर होता है उसकी स्ट्रेंथ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ, ताकत, ताकतवर बॉक्सर. फिर है जनरस किंग, तो उसकी जनरसिटी. वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरसिटी. ए हैप्पी बेबी, खुश बेबी है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस. ए वाइज सेंट, तो विजडम होगा. क्या होगा? विजडम, विद्वान कहा जाता है. विजडम यानी विद्वान, सेंट यानी साधु संत. सिक्स है ए प्राउड प्रिंसेस. जो राजकुमारी है वो प्राउड. प्राउड क्या क्या होगा? प्राइड होगा. सेवन अ करेजियस सोल्जर. ओके, हिम्मत वाला सैनिक, तो उसको क्या कहते हैं? करेज. करेजियस का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? करेज होगा. फिर है ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, सुंदर लड़की, तो उसका क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ब्यूटी. क्या होगा? ब्यूटी होगा. अंडरस्टैंड? ये एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में लिखनी है. अंडरस्टूड? विथ गुड हैंड राइटिंग. नेक्स्ट, पुट द नाउन्स गिवन बिलो इनटू देयर प्रॉपर ग्रुप्स. ओके, यहाँ पे फोर टाइप्स के नाउन्स है जो हमें अब पढ़े हैं. ओके, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, सेकंड कॉमन नाउन्स, थर्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स में फर्स्ट क्या आएगा? सुनीता. ओके, सेकंड में क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया, है ना. फिर थर्ड में द हिमालयाज और हम्प्टी डम्प्टी. फिर वेनस. नेक्स्ट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो कॉमन हो, स्पेशल हो, है ना. प्रॉपर नाउन में क्या आता था? द नाउन इज द स्पेशल नेम हो, है ना. ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियाई हो, स्पेशल हो. और कॉमन में कॉमन होता था शुगर, है ना. फिर लॉयर, फिर आएगा पैलेस, फिर ऑस्ट्रिच एंड लिव. फिर है कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स हमने अभी देखा. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूहवाचक संज्ञा. ओके, तो लीटर, फिर क्राउड, फिर आर्मी का समूह होता है. ओके, क्राउड होता है. क्राउड किसका होता है? पीपल का होता है ना क्राउड. जस हीप यानी ढेर, ढेरों का समूह. क्रू ऑफ सेलर्स, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें अभी पढ़ा है ना, जिसमें क्वालिटी हो, कर्टसी हो, पेशेंस, फिर फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, होप, फिर लवलीनेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
ये भी आपको लिखना है, वर्कबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है विथ गुड हैंड राइटिंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, थैंक यू एंड गुड बाय.